हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह हो गया भाई, एक घंटे मुश्किल से मैं सोया हूँ, एक घंटे। सो 10 बजे जब उठे तभी मैं उठ गया था, तो अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है भाई, लाया था मस्त डोसा है, खाएँ बस। अब चलते हैं लैब, थोड़ा टहलते वहलते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी लोग आ रहे हैं तो उन लोग को भी थोड़ा रास्ते मिल लेंगे, थोड़ा से थोड़ा सा छोटा सा काम है उसको करके आते हैं। अभी हम सुबह से निकलने वाले हैं। मचा, वेर यू आर गोइंग? लैब। हाँ, सब चल रहा है लैब भाई। चलो भाई, सिस्टम है, फैन आप जरूरी नहीं है भाई। चलो भाई, अरे यार कितना इतना मस्त लग रहा हूँ भाई मैं, यहाँ आने के बाद बहुत हैंडसम लगने लगता हूँ, देखो है ना। इधर जल्दी जल्दी लिफ्ट आई, लिफ्ट आई, लिफ्ट आई, लिफ्ट आई। भाई जी, अपना जियो टेक्निकल लैब, इसमें बहुत प्रोजेक्ट वर्क किए हैं। अरे हमारे अन्ना, अन्ना से मिल लिया, अभी जगदीश अन्ना आएंगे, सबसे मिलेंगे। अच्छा लग रहा है यार, बहुत काम किया है यार। यहाँ पे UCS सैंपल बनाते थे यार भाई साहब। यहाँ पे अभी अब से एक आया हुआ अटेंडेंस लगाने के लिए, ये भी ज़रूरी होता है ना, तो स्टाइपेंड कट जाता है ना। बाकी तब तक ठंडा पानी पीता हूँ यहाँ से। भैया कैसे हो आप? तो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं अपने लैब में नए नए सिस्टम को देखने। और हाय ब्रो, स्लीपर उतारना जरूरी नहीं है हमारे लिए। ओ भाई, आइए पधारिए आशीष सर जी। ये नया एंट्री करना पड़ता है क्या यहाँ पे? पप्पू जैसे लोग एंट्री में, सिस्टम चेंज हो गया है। ये सब क्या है? सिस्टम देख रहे हो? सिस्टम मैं ही हूँ आज का। ये एंट्री करना, एंट्री मेरा इंचार्ज है। अच्छा, सबका इंचार्ज एक एक दिन लगाया क्या? हाँ। ये सही है सिस्टम, लेकिन ये सब गलत सिस्टम है भाई। देख रहे हो सर, 10 बजे आते हैं, 5:30 बजे जाते हैं। 12:30 बजे रात का है क्या? अच्छा, सही है यार। तो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं, कुछ खाने पीने चल रहे हैं ना भाई। भाई अच्छा लग रहा है मिलके पप्पू से। हम ज्यादा टाइम नहीं मिल पाए थे, भाग गया था साला, भाग गया था यार छोड़ के। तो अभी ये सब रास्ते याद आ रहे हैं। ये है गर्ल्स हॉस्टल, ये नहीं दिखा गर्ल्स हॉस्टल ही तो है यार ये। हम लोग आए थे, ये रोड बनने की तैयारी हो रही है, ये रोड बनने की तैयारी हो रही है, इसी का ठेका लिया है पप्पू ने, इसीलिए पप्पू आया यहाँ पे, यही से पप्पू इंटर्नशिप कर रहा है। हाँ, इसी का ठेका लिया है रोड बनवाने का। भाई भाई 2-3 करोड़ कमाना तो भेज देने का करोड़, ठीक है। बाकी का कोई वैकेंसी खाली उसमें चलाने लाने को तो बताना, यही चला लेंगे हम। तो भाई जी देखो यार, कुछ नया हुआ है यहाँ पे। ये है कबड्डी, कबड्डी का कोर्ट, और ये अपना डिस्पेंसरी जहाँ पे दवा लेते थे हम लोग। और सामने शकील भाई, चलते हैं वहाँ कुछ खाने पीने, वैसे भूख नहीं लगी है। आशीष भाई आया ना अभी, तो ये कुछ खाएगा। भाई अभी शकील थोड़ा नाश्ता करते हैं, और बहुत टाइम बाद मेमोरी याद आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा कि हम लोग अपने गाइड के साथ यहीं बैठ के पिए थे भाई चाय, वहाँ पे लास्ट टाइम वहीं पे पिए थे भाई गाइड के साथ चाय, मस्त यार। हर एक इन्विटेशन में ना हम लोग फैकल्टी यहीं लाती थी, वहाँ पे जो भी खाना है खाओ, चाय पियो, मस्त। भाई भाई क्या बोल बोल बोल, कुछ नहीं कहा, बताया अनुजी लेक्चरर बन गए। क्या हुआ भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ भाई। असिस्टेंट अभी इलाहाबाद में? इलाहाबाद नहीं, जिस कॉलेज में बीटेक किया था ना उसी में, मतलब है वहाँ गेस्ट हुआ हूँ, एज ए गेस्ट। अरे भाई, ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना पड़ेगा एमटेक ग्रुप पे। अभी ज्वाइनिंग किया कुछ दिनों पहले मैं, जिस समय हमको ये बोला सुदेश, इसको पता था सबसे पहले, सुदेश को बताया था और इसको पता था, और किसी को मैं बताया नहीं। बोला जानू भैया, हमको बोला था कि ज्वाइन देने जाएंगे इंटरव्यू, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, बोला था। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था ना, तो परमानेंट हुआ नहीं हूँ, क्या ही बताऊँ, बेइज्जती फील होती है। लेकिन अच्छा, लेकिन अच्छा इसलिए फील हो रहा है ना, उसी कॉलेज में, उसी कॉलेज में बीटेक किया और वहीं पढ़ा रहा हूँ, और सारी फैकल्टी में जानती है। और ये मजाक देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो पप्पू, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आते ही भाई, आओ ना भाई, आओ ना, कोई इज्जत नहीं है भाई, कॉल करके मिलने के लिए बुला रहा है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी और के लिए मिठाई क्या क्या ला रहे हैं। हाँ लाए हैं उसके लिए, पर हम लोग के लिए कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। यहाँ पे है भाई पहला दोस्त है, पहला दोस्त है भाई, बचपन के दोस्त के लिए कुछ नहीं यहाँ पे भाई, यही सब है ना, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं भाई लोग, कहीं भूल जाते हैं उसके क्या थोड़ा। बेंगलोर में रह रहे हैं, बेंगलोर में रहना भाई, हाई फाई आगे कॉल करो यहाँ पे, देखते हैं सके लाया, ठीक है कुछ तो अच्छा ही।
यार गाइस तो अभी हम लोग निकल लिए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो कल कन्वोकेशन है और इसके चक्कर में कोई लेट हुए हैं कल इस रेलों के चक्कर में, और अभी चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने रामानुजन हॉल में। और तब तक अमित आ जाएगा, अमोल आ जाएगा, बहुत सब लोग आ जाएंगे, दो तीन घंटे में सारे लोग आ जाएंगे। मेरा भैया आएगा। दुखले इंसान है, आके करा लिया रजिस्ट्रेशन, ये भी ले लिया, साले बताया भी नहीं, वो भी ऐसा ही निकला। भाई बताना चाहिए ना, करा लिया, तुम लोग का वेट कर रहा हूँ, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जो कि कल रात से आएगा। देखो इतने दुखले इंसान है, जा मेरा करा ले जा, मैं इसको ले लिया। इतना लेके कहाँ ट्रैकिंग पे जा रहे हो क्या कहीं? माई गाइड इज देर ना सुधीर सर, मेरा गाइड है। ये मिला हमको, रजिस्ट्रेशन हो गया और डिनर मिला है भाई, स्पेशल डिनर चलो गाइस आपसे मिलाते हैं अपने क्लास के कुछ होनहार छात्र से। हाय आंटी। भाई सुधीर सर थे वहाँ पे यार, वहाँ पे सुधीर सर थे भाई, सुधीर सर बोले ना आईडी कार्ड जरूरत ही नहीं है भाई। जाओ ले जाओ। भाई हम लोग ले लिए लंच, अब चलते हैं मस्त लंच करेंगे रूम में, बाकी सब लोग एक ही रूम में हो सकता है, एडजस्ट करेंगे अब एक दो दिन की बात, सब कर लेंगे, सब मस्त मस्ती काटेंगे भाई, दो दिन फुल मस्ती। अभी मिड रिव्यू भी है, अच्छा इसका रिव्यू भी है, अभी नहाएंगे थोड़ा नहाएंगे, दो दिन परसों ट्रेन है मेरे यहाँ निकलने की, और अभी नहाएंगे और चलेंगे रिहर्सल में कन्वोकेशन में। ये नहीं बताया आज क्या क्या काम किए हैं, कितनी बजे उठे हैं भाई? आज पेपर सबमिट किए, सबसे बड़ा काम तो वो भाई, एक रुको ऑफ द कैमरा मैटर है। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली रूम में, ये है 7th फ्लोर, और ये नहीं ले रहे भाई, इधर आ रहा है बैग, ये कैमरा इस साइड है, रूम नंबर नहीं बता रहे, लेकिन भाई इसी फ्लोर पर रहा हूँ ना सेकंड ईयर में पूरा, तो मतलब ऐसा लगता है मतलब वही जगह आ गए, लग ही नहीं रहा है भाई, पहले मतलब एक तो ये लग रहा है समर वेकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आ रहे हैं भाई, सबसे मिलने कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना अच्छा मजा आ रहा है, बस अब पेट पूजा करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद फिर नहाएंगे, रिहर्सल कन्वोकेशन है, रिहर्सल में जाना है 3 बजे, ठीक है पहले पेट पूजा करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस तब तक के लिए बाय। कुछ बोलना चाहते हो? फीलिंग वेरी गुड भाई साहब, आज का कल के बाद पता नहीं कहाँ मिलेंगे भाई, फोटो में मेमोरी वेस्ट मत कर, मैं फोटो नहीं है भाई, वीडियो चल रहा है ब्लॉग। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज हम लोग का रिहर्सल कन्वोकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ भाई, तुम कहते ना देखने क्या है, नहीं हुआ स्टार्ट, रिहर्सल में से कराएंगे क्या, डांस कराएंगे क्या? कल की प्रैक्टिस, कल की प्रैक्टिस मतलब जाके आज कुछ नकली डिग्री देंगे, आज कल ऐसे देंगे, सब आ रहे हैं भाई धीरे धीरे, सब आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, मस्त मजा आएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पता नहीं अब कब मिलेंगे, क्योंकि आज कल के बाद फिर तो भाई पता नहीं कब मिलेंगे, अबे मैं और अमोल तो मिलते रहेंगे भाई, उसके बाद शादी में मिलेंगे, अमित की शादी अगले साल है, इसमें सब इकट्ठा होंगे रियूनियन, और उसके बाद अमोल का शादी भी है, उसके बाद अमोल शादी में होंगे भाई, है ना भाई, नेक्स्ट ईयर मेरे शादी में अभी 5 ईयर है, अभी 24 साल का हूँ, 24 और 5 जोड़ 28-29 साल में शादी करूंगा मैं, अभी नहीं। गाय जो है सामने ऑडिटोरियम, वहीं पे हम लोग का होगा कन्वोकेशन, अभी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, आज रिहर्सल है, ऑडिटोरियम में होगा हम लोग का कन्वोकेशन, बस आज रिहर्सल के लिए चल रहे हैं, अभी अंदर देखते हैं क्या माहौल है, क्या सीन है भाई, क्या सीन है भाई, मस्त, बस एसी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम ये है, उस वाले में एसी है, इधर एसी नहीं है, बाकी अभी देखते हैं, अभी इधर गोल्ड मेडलिस्ट वालों का नेम लिखा है, इसमें भी तुम्हारे भाई का भी नेम अनुजबिंद, ठीक है, तो अनुजबिंद को गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा, देखते हैं भाई, नेम मत देखो यार उधर, तुम लोग नेम के साथ मोबाइल नंबर लिखा है ना भाई, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर वी के, ठीक है गाइस, चलो भाई अंदर चलते हैं, अब यहाँ से दो रास्ते होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो मोस्टली सब लोग लेफ्ट चलते हैं, इसलिए हम लोग भी लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है, ये रूल फॉलो ज़रूर करना आप लोग, और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और देखेंगे अंदर का माहौल, पुराना कैमरा रखा गया है, लो भाई सिस्टम है भाई, अंदर मस्त माहौल बन रखा है भाई, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, अरे भाई ये तो फोटोशूट चल रहा है यार, बिना हमारे फोटोशूट कैसे हो सकता है, खड़े हो जाओ भाई मास्टर वाले खड़े हो जाओ सब मास्टर।
अमित बहुत एक्साइटेड है भाई। अच्छा सुन लो भाई, कुछ सीखने को मिलेगा एमटेक वालों को क्या करना है वहाँ पे जाकर। एमटेक वालों को और डिग्री देगा क्या? हेलो गाइस, तो आ गए रूम में बस, और इतने अच्छे अच्छे गुड न्यूज मिल रहे हैं और मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी आज मैं सबको बताया, मतलब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया अपने बीटेक कॉलेज में, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग में बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला, दोस्तों को सबको मैं बताया और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। और बस यही न्यूज़ थी गाइस, उसी कॉलेज से मैंने बीटेक किया, उसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो बस। और कल यहाँ से डिग्री लेने आया हूँ, कल डिग्री मिल जाएगी। बाकी यार सब एमटेक वाले भाई लोग सब आ रहे हैं, मिल के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एनर्जी आ रही है। और अभी आपको बता दें, आज IGC का लास्ट डेट है पेपर सबमिशन का, अभी बचे हमारे पास 5 घंटे, बिलीव नहीं करोगे 5 घंटे में हम पेपर लिख के अभी सबमिट करेंगे, अभी के अभी उसी में लगना है बस। अभी आँखें भी मतलब सोया नहीं हूँ, 24 घंटे से 48 घंटे ज़्यादा हो गए। भाई लैपटॉप खोलो भाई, मजाक नहीं, हम और अमित सब मिल के भाई सब लैपटॉप खोलो, अपने लैपटॉप खोलो, सब भाई सेट करते हैं भाई, पहले काम सेट करते हैं उसके बाद फिर आगे ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है? वो भी काम बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट क्या करें, अपना यूँ ही है ना, लास्ट डेट जब आता है तभी दिमाग खुलता है, तभी दिमाग खुलता है काम करने के लिए और हो भी जाता है वो, और ड्राइंग बनाने का वो पेन है। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाना था, ये है ड्राइंग बनाने का पेन, शेडर है आई थिंक सेट करने वाला, और अभी सुदेश का सारा आर्ट दिखाएंगे अलग से वीडियो पे, ठीक है? तो अभी थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं, बाय। तब तक धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग से आपसे मिलाते रहेंगे, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो चुके हैं 7:30 और विश्वास नहीं करेंगे 6 बजे बैठे थे 7:30, 1 घंटे में भाई साहब IGC का पेपर लिख लिए, थोड़ा काम बचा है वो मैंने दे दिया है सुदेश को, इधर बैठ के अभी वो काम कर रहा है, दिखाऊं ये, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा काम वो कर रहा है और अब थोड़ा खाना खा पी कहते हैं, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं हम लोग का बाहर, साथ में चलते हैं डिनर करते हैं आज। और भाई 1.5 घंटे पूरा फोकस के साथ मतलब सेट करके, किसी तरीके से सेट करके, उल्टा जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने पेपर को सेट कर दिया है, बस 12 बजे रात से पहले सबमिट करना है, तो बस जैसे ही आएंगे तुरंत सबमिट करेंगे फटाफट जो भी सीन होगा। तो अभी चलते हैं डिनर करने, सब लोग वेट कर रहे हैं, चलते हैं उन लोग के पास, ठीक है? साइकिल चाबी लिया हम लोग कन्वोकेशन के लिए, कितना मस्त सजाया गया है कॉलेज को और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी चलते हैं, देखते हैं टाइम स्क्वायर पे क्या चल रहा है, कुछ नाइट फाइट का सीन, अंधेरा हो रखा है टाइम स्क्वायर की तरफ, तो मस्त है यार, इस साइड भी लाइट लग गया, इस साइड भी लाइट गया, अभी लाइट नहीं था अंधेरा रहता, तो उधर बहुत सारे सीन चलते थे याद है अमित, इसलिए मतलब इधर भी लाइट इधर भी लाइट। बाकी कैंपस बहुत प्यारा लग रहा है, एक चीज़ तो यार डायरेक्टर आने के बाद बहुत बहुत इंप्रूव किया भाई कैंपस को बहुत जल्दी। तो गाइस हम लोग आ चुके डिनर करते हैं, इधर देखिए अपनी पूरी जी टेक्निकली भाई मिले भाई, ये ड्यूटी पर से एमडी है बट ड्यूटी पर्सन मिसिंग समवन, हम नहीं आ रहे भाई, हम नहीं आ रहे, ये आ जाओ भाई सब आ जाओ, हम नहीं आ रहे भाई, अरे वीडियो ले लो शक्ति ये भाई। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कोई पीपल मिसिंग है क्या? 2-3 प्लेट मेरे में नहीं है, जाएगा ब्रांच ब्रो, कैसा लग रहा है भाई इतने दिनों बाद मिलके? हिंदी में बताना है, टेल मी इन हिंदी। बहुत ही बुरा हाल था हरियाणा, हरियाणा में थे भाई बट इन एमटेक ना, हरियाणा का हरियाणा इंडियन को समझ नहीं आता, हरियाणा नहीं आते भाई, क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ बोल के बोल के जाता है, हरियाणा नहीं समझेगा, हरियाणा वेरी टफ ब्रो, बट यूपी में यू कैन सर्वाइव, इन यूपी हमको इन बिहार आल्सो यू कैन सर्वाइव, बहुत ही यूपी वाला है, हाँ ये भी अलग है, यूपी वाला बहुत ही है, सब गुड़गांव हरियाणा फरीदाबाद वो उसके साथ बहुत कुछ बात अभिषेक, अमित तुम बताओ कैसा लग रहा है, फिर बताओ भाई। आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड, हाँ बिकॉज वी ऑल अंग्रेज बन गया भाई, हमने बोल के हाँ भाई बोल, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, ओके और कुछ बोलो, और अच्छा लगता है, ओके। तो अभी कुछ टाइम बाद उन सबसे पूछेंगे, ठीक है? अभी भाई खाने पे ध्यान देते हैं, भूख लगी है थोड़ा, मस्त जा रखे भाई कन्वोकेशन में यार, एक नंबर।
तो गाइज हम लोग डिनर करके आ गए हैं और पता नहीं अब सारे क्लासमेट एक साथ कब डिनर करेंगे, है कि नहीं भाई? हो सकता है ये लास्ट डिनर हो। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा भाई सब, बुरा अपना जीटी फैमिली के साथ डिनर करके बहुत मजा आ गया। मजा आ गया भाई कत्ते यार। और अभी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, आपको दिखाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी लोग यहाँ फोटोशूट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट और सब लोगों के साथ यहाँ लाइटिंग लग गई है भाई, फोटो अच्छा आएगा यहाँ पे। तो गाइस हम लोग पेपर सबमिट करने जा रहे हैं भोले बाबा का नाम लेके, और पेपर 2-3-4 घंटे लगातार लगे भाई। लिंक बंद हो गया। बंद हो गया, मर गए। सच में बंद हो गया क्या? हाँ भाई। अबे यार भाई पूरा मेरा डर हो जाएगा, कसम बता रहा हूँ। शाम से लगा हूँ, 5 बजे से लगा हूँ शाम से भाई। खुल क्यों नहीं रहा? 60 क्लास हो गई देर। 11 बज गया, 5 मिनट बाकी। खोल यार भगवान, हे भोले बाबा कुछ तो करो यार, कुछ तो कर लो भाई, कुछ तो करो भाई। तो खुल गया भाई, खुल गया।